सवाल, माँ बाप का कहना मानने वाला बच्चा नाफरमान कब हो जाता है? जवाब, जब वो किसी और का कहना मानने पर मजबूर हो जाए, मसलन नई नवेली दुल्हन का। दरख्त लगाने से तो फल मिलता है और दिल लगाने से? जवाब, फूल, मुरादों का फूल। सवाल, हकीकत का सामना करने से लोग कब घबराते हैं? जवाब, जब उनकी अपनी हकीकत खुलने का अंदेशा हो। सवाल, बीवी की होंठों पर दिल छीन लेने वाली मुस्कुराहट कब नजर आती है? जवाब, जब बीवी किसी और की हो। सवाल, दुनिया में अहले कलम न होते तो दुनिया क्या होती? जवाब, वही जवाब है, अगर किताबें इंसानों को बदल सकती हैं तो दुनिया भी जन्नत बन चुकी होती। सवाल, ज़ईफ़ी में भी गुनाहगार आदमी गुनाह करने से कब नहीं चूकता? जवाब, तस्वर में। सवाल, क्या इस दौर की सब लड़कियां मोहब्बत को तिजारत समझती हैं? जवाब, जी हाँ, लड़कों की मोहब्बत को। सवाल, बीवी को हमेशा खुश किस तरह रखा जा सकता है? जवाब, दिव्यालया बनने के लिए हमेशा तैयार रहकर। सवाल, इंसानियत शराफत और इखलाक में गिरावट आने की वजह? जवाब, शैतान, जो इंसान के अंदर ही छुपा होता है। सवाल, क्या यह सच है कि मोहब्बत इबादत है? जवाब, जी हाँ, अगर खुदा और उसके बंदों से हो और बंदों में सिर्फ किसी हसीना तक महदूद न रहे। सवाल, बीवी को खुश करने की तरकीब क्या है? जवाब, मुसलसल इंतशार, दिवालिया हो जाने तक। सवाल, मुरझाए हुए फूल और ठुकराते हुए इंसान में क्या फर्क होता है? जवाब, मुरझाया हुआ फूल तकदीर का रोना रोकर दूसरों को बेजारी में मुब्तला नहीं करता। सवाल, तन्हाई में इंसान का अच्छा साथी? जवाब, तसव्वुर। सवाल, तरस खाना ऐब कब बन जाता है? जवाब, जब मजलूम के बजाय जालिम पर तरस खाया जाए। सवाल, मोहब्बत की शादी कैसी रहती है? जवाब, मुनासिब। ये और बात है कि ऐसी सूरत में कभी मोहब्बत बाकी नहीं रहती तो कभी सिरे से शादी ही नहीं बाकी रहती। सवाल, दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी की नीयत कौन रखता है? जवाब, बॉयफ्रेंड। सवाल, लीडरों की नजर में सबसे बड़ी खिदमत क्या है? जवाब, अपनी खुद की। सवाल, महबूबा तोहफे को कब ठुकरा देती है? जवाब, जब तोहफे में सिर्फ दिल पेश किया जाए। सवाल, क्या शोहर बीवी को हमेशा खुश रख सकता है? जवाब, जो हमेशा बीवी का ख्याल रखे या जो हमेशा के लिए बीवी से दूर चला जाए। सवाल, मोहब्बत शादी में बदल जाए तो अंजाम क्या होगा? जवाब, वही जो अकबर अलाहाबादी बहुत पहले बता गए हैं, आश की कैद शरीयत में जब आ जाती है, जलवाए कसरत औलाद दिखा जाती है। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।